चले एक बार फिर से आपको बांसवाड़ा ले चलते हैं। और कर्जा वापस ना दे, एकदम वो जेल जाए, क्या है आपको ठीक लगता है? न्याय लगता है आपको क्या? हमने निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय, 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसान जेल जाएं, तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को उनको अंदर करिए, फिर हम हिंदुस्तान के किसानों की बात करेंगे। अगर आप उनको अंदर नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। यहां पे बहुत सारे आदिवासी युवा हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला हूं। जब भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, धंधा चालू करना चाहते हो, आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेनी पड़ती है। पांच दस डिपार्टमेंट्स में जाके परमिशन लो पहले। हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, मुझे परमिशन दो। एक के बाद एक डिपार्टमेंट में जाते हो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 के बाद किसी भी आदिवासी युवा को, किसी भी युवा को, किसी भी राजस्थान के युवा को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप जाके अपना धंधा चालू करो, आप अपना धंधा चालू करो, काम शुरू करो, युवाओं को रोजगार देना शुरू करो, और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, जब आपके लिए 30-40 युवा काम करेंगे, तब आप जाके सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लो। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। यहां कोई है युवा जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? कोई एक है यहां पे? एक नहीं है, वो झूठ था। मैं आपको यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। 15 लाख रुपए की बात नहीं करूंगा, 3,60,000 रुपए की बात करूंगा। मगर मैं आपको बताता हूं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, मगर सच बता दूंगा। हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। एक साल के अंदर 22 लाख युवाओं को हम वो नौकरियां दिलवा देंगे, सरकारी नौकरियां दिलवा देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। हम 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे। मगर हम आपसे यहां झूठ नहीं बोलने आए हैं, हम आपसे रिश्ता बनाने आए हैं। न में आता है वो बोल जाते हैं 15 लाख रुपए दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, जो भी दिल में आता है वो कह देते हैं। मैं आपसे सिर्फ सच बोलूंगा, और जो आपने यहां सुना, चाहे वो न्याय योजना 72,000 रुपए हो, चाहे वो 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसान की मदद करने की बात हो, वो यहां आपको सच सुनाई देगा। आखिरी 2 चीजें, किसानों की मैंने बात की, मैंने कहा कि कर्जे के लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। एक और बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हम आपके लिए करेंगे। हिंदुस्तान में हर साल बजट पेश किया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हिंदुस्तान का बजट रखा जाता है, कितना पैसा किस चीज में हिंदुस्तान की सरकार डालेगी। हमने किसानों से बात की, किसानों ने हमें कहा कि हमारे लिए भी आप एक अलहदा बजट बनाइए, अलग बजट किसानों का बनना चाहिए। तो हमने निर्णय ले लिया है 2019 में 2 बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट बनेगा, देश का बजट बनेगा, और दूसरा हिंदुस्तान के हर किसान का आदर करने के लिए स्पेशल किसान बजट बनेगा। चलिए, बांसवाड़ा से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लगातार सुना रहे थे आपको, जिन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि 15 लाख रुपए पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने अपनी न्याय योजना यानी कि 72,000 सालाने के लिए वादा किया है और इसको एक ऐतिहासिक बनाया है।